तो महाराज मथुरा नगरी में अपना कार्य काज संभालते और शाम की समय ठाकुर जी वृंदावन की ओर देखते ही यमुना नदी को देखते और देखते ही देखते जरा में हंसने लग जाएं और जरा में रोने लग जाएं। देखते हैं जब मैं वृंदावन में था गोकुल में था तो यह यमुना नदी भी अपनी चंचल आवाज छोड़ती थी और यह भी ऐसे लगती थी जैसे नृत्य कर रही हूँ। आज वह यमुना नदी में मुझे चंचलता दिखाई नहीं दे रही है। इतने में याद आता है मुदमंगल मधुमंगल श्री दामा हम गाय चराते हैं और चढ़ाते चराते महाराज शाम को घर आते हैं तो मैं कभी इस गाय को घेरता कभी उस गाय को घेरता और वो मेरी प्यारी गोपी वो इतनी गरीब है मैं मटकी फोड़ देता। मैं इतना बुरा हूँ और वो आज तक भी मैंने उनको अपने दर्शन नहीं दिए। और महाराज वृंदावन की उस लीला को स्मरण करते करते ठाकुर जी रोने लगे।